लो बड़ी कंप्लेंट है, आप अपने पापा को अपने घर नहीं बुलाती हो। हैप्पी गोवर्धन आप सभी को दोस्तों। तो आज है गोवर्धन और कल है भाई दूज। इस बार ना दिवाली और गोवर्धन के बीच में एक दिन का गैप था। पहले सुना था कि गोवर्धन और भाई दूज के बीच में है, लेकिन ये कुछ अलग ही चल रहा है। आजकल बहुत मिला जुला चलता है सब कुछ, तो जो जब पता चले तब कर लो। तो गोवर्धन वाले दिन मैं जा रही हूँ दीदी के घर पर, क्योंकि दीदी गोवर्धन भी रखती है, साथ में गोवर्धन में बहुत अच्छे अच्छे पकवान भी बनाती है, जैसे कढ़ी चावल बनाएगी आज, और रात में ना वो अन्नकूट की सब्जी भी बनाने वाली है। तो उसके लिए वो हमें जरूर इन्वाइट करती है, क्योंकि हम दोनों को ही अन्नकूट की सब्जी बहुत पसंद है और बहुत अच्छी भी बनाती है दीदी। तो मैं आज शाम को जब वो अन्नकूट की सब्जी बना रही होगी ना, तो मैं आप लोगों के साथ उसकी रेसिपी शेयर कर दूंगी, क्योंकि हर बार मैं जब खाती हूँ तो आप लोग बोलते हो कि दीदी से ना कभी रेसिपी शेयर करवाना। तो इस बार मौका भी है, मैं जल्दी पहुंच रही हूँ, वरना मैं रात तक पहुंचती हूँ हमेशा गोवर्धन वाले दिन। और कल भाई दूज है, तो कल भाई दूज पर पापा का टीका भी करूंगी। तो आज का प्लान है मैके का, पूरा मैके जाएंगे आज अपने प्रशांत। मफिन भी जा रहा है अपनी नानी नाना के घर जा रहा है, और मौसी के पास जा रहा है। छोटा सा बैग तैयार कर लिया यहाँ पे थोड़े बहुत कपड़े वगैरह रख लिए, और आज मैंने ना ये कॉटन का सूट पहना है। अभी पता क्या हुआ है, चल तो नवंबर रही है लेकिन हो गर्मी रही है, मतलब वो विंटर वाइब्स आ ही नहीं रही है जो कि नवंबर के मंथ में हर साल आ जाती थी। तो ये कॉटन का सूट भी ना अच्छा लग रहा है मुझे, ठंडा ठंडा लग रहा है। नवंबर में बड़ी गर्मी पड़ रही है। हाँ यही हुआ है, गर्मी है, और न्यूज में भी बता रहे हैं ये सबसे हॉटेस्ट मंथ रहा है नवंबर पिछले 1.25 लाख साल में। पता नहीं, ओहो पता नहीं, ऐसे ही वो गणित निकल के बाहर आता है ना। हाँ। कि कभी कभी खुद ताज्जुब होता है मुझे, इतना गर्म। हाँ वाकई में गर्म है, वरना नवंबर नेवर यूज्ड टू बी सो। तुम्हारे लिए ही बनाती है स्पेशली वो हमेशा अरबी, और पूरी की पूरी प्लेट खत्म हो चुकी है अरबी की क्योंकि इतनी पसंद आई है इनको। मैं पूरी प्लेट खा दूंगी। मैं आपको दिखाती हूँ, दीदी ने रखा है गोवर्धन बाहर आंगन में रखा है उसने। आज बनने वाला है घर में, गोवर्धन वाले दिन दीदी के घर में हमेशा बनता है अन्नकूट। तो अन्नकूट की सब्जी दीदी कैसे बनाती है वो मैं इस बार आपको दिखाऊंगी। तो इसके लिए दीदी ने क्या क्या प्रिपरेशन करी है बताना। ये एक बड़ा बैगन है, ये क्वांटिटी में ज्यादा लिया जाता है। ये मूली है, दो मूली। अच्छा, ये एक एक मतलब वन छोटा सा पीस कद्दू का है। ये बीन्स सेम है, सेम ये भिंडी है, ये शिमला मिर्च है, ये गोभी बीन्स, ये आंवला, और ये गाजर है, ये है तुम्हारे आलू, और ये सिंघाड़ा। सिंघाड़ा वो ये वाला सिंघाड़ा, एक्चुअली सिंघाड़ा ये है सिंघाड़ा। शकरकंदी सिंघाड़े की पूजा होती है ना। अच्छा, इस दिन भी होती है, और उसके डेठानी काशी पे भी होती है। अच्छा, इसके अलावा ये सेब है और ये अमरूद है।
अच्छा दो फल भी डाले हैं। हाँ। और कच्चा केला हो तो वो भी डाल सकते हो। हाँ, कच्चा केला डाल सकते हो लोग इसमें, वो भी डालते हैं, पालक भी डालते हैं, मेथी भी डालते हैं, पर मेरे हाँ, बच्चों को जितनी सब्जियां ज्यादा हो जाए, लौकी, लेकिन वो ना कि लाइकिंग के ऊपर है, फिर ये बच्चे प्रसाद ले लें। हाँ। वो पालक वगैरह डाल के ना बच्चे कम लाइक करते हैं तो पहले थोड़ा थोड़ा डालती थी, अब मैंने आज डाला नहीं है प्रसाद में कभी। हाँ, जो बच्चे पसंद करें। इसमें 56 तरह की सब्जी डालते हैं, जो बनता है बहुत सारी सब्जियों को मिलकर बनता है, फल को मिलकर। हमने तो 20-21 सब्जियां ली है ना। हाँ। और अभी हो जाएंगी, धनिया है, हरी मिर्च है, अदरक है, टमाटर है। अच्छा, अब इसको कैसे बनाना है? बहुत सिंपल तरीका है, कोई खास तरीका नहीं है बनाने का इसका। बस प्रेम भाव से बनाओ, भक्ति भाव से बनाओ, मन में श्री कृष्ण जी को याद करके बनाओ और भोग लगाओ। और भोग लगाओ, इसमें कोई भी ना प्याज पड़ेगी ना लहसुन पड़ेगा, बिल्कुल सादा खाना बनेगा। बस इसमें स्वाद जो होता है ना वो भोग का होता है। हाँ। जो हम भोग लगाते हैं फिर उसे मिला देते हैं इसके अंदर। हाँ। उससे इसका स्वाद बन जाता है। बिल्कुल। अब पूजा भी तो होगी तुम्हारे यहाँ गोवर्धन की फिर? हाँ, पूजा होगी, बस बनाने ही जा रही। ऑयल जिसमें भी आप बनाते हो वो डाल लीजिए, उसके बाद जीरा, तिल, अदरक और हरी मिर्च। जब अदरक भुन जाए तो टमाटर अच्छे से भुन जाए। नमक गलने के लिए ये सेम नमक है, जब तक टमाटर गलेंगे तब तक हम इसे पकाएंगे। ढककर रख दो थोड़ी देर, पक जाएगा। दीदी, जब तक ये गल रहा है तब तक तुम ये दिखाओ ना, तुम धनतेरस पर क्या लेकर आई? आई हूँ इडली मेकर। ओके, दिखाओ। एक्चुअली मैं पसंद करके पहले ही पैसे दिया थी, सिर्फ धनतेरस पर उठा के लाई हूँ। हाँ, वो सही किया, क्योंकि धनतेरस पर पता है कितना भीड़ होती है, इसलिए वो सुनते भी नहीं है किसी की बात। मैं उससे पहले संडे पर पैसे दिया थी, पैसे मैं देके नहीं आई थी, उसे पर्ची बनवा के ले आई थी। हाँ। मैंने कहा मैं पैसे दूंगी, पहचान का है ना। हाँ। और पैसे दूंगी और तुम्हारे सामान उठा, तेरा नाम लिख लिया था डिब्बे में। अच्छा, दिखाओ। अच्छा लाइयो दीदी, बहुत अच्छा है। स्टैंड से ना बहुत काम आसान हो जाता है इडली विडली बनाने में। अब बना के ना इसमें रख दो। हाँ। तो जब खाने हो तब खाओ, तो गर्म भी रहती है। अच्छा। हाँ, ऐसे भी करके छोड़ सकते हो। पता है गर्म करने के लिए क्या करो, हल्का सा फिर से गैस ऑन कर दो। अच्छा। तो वो गर्म पानी से हल्के से भाप से फिर से गर्म हो जाती है। अच्छा, वाली बात मुझे नहीं पता थी। ये भी करते हो? मैं कभी कभी करती हुई है। मैंने प्लास्टिक का था मेरे पास, वो खराब हो गया, मैं स्टील का लेके आई। नहीं, ये बहुत अच्छा। किस कंपनी का दीदी ये है? तो शगुन, कोई शगुन कंपनी है। वैसे पीजन का भी दिखाया था, पीजन का तला जो है वो हल्का था। अच्छा अच्छा, ये भारी थी, गारंटी है इसकी 1.5 साल की। अच्छा, ये अच्छा लग रहा है। टमाटर गल चुके हैं आई थिंक दीदी। हाँ, चला लो एक बार। ये डाली हल्दी इसमें। ओके, तो आज ना ये दीदी अपने मसालदानी में से कोई भी मसाला नहीं डाल रही है, क्योंकि ये बिना प्याज लहसुन वाला खाना बन रहा है भगवान जी के भोग के लिए। तो जिन डिब्बों में वो सामान रखती है उन्हीं से डाल रही है डायरेक्ट। ये मिर्च, मिर्च, कोरिएंडर पाउडर चलाएंगे अच्छे से। फिर डालेंगे गरम मसाला, तो थोड़ा सा सॉल्ट आप टेस्ट अकॉर्डिंग डालेंगे। थोड़ा हमने टमाटर भूनते समय डाल दिया था। हाँ, थोड़ा आप डाल दें। बस इसे हम पानी नहीं डालेंगे इसके अंदर, बिल्कुल भी एक बूंद भी पानी डालेंगे। तो क्या सब्जियां पानी छोड़ देती हैं? हाँ, सबसे पहले बैगन जाएगा। किसी भी सब्जी को भूनना नहीं होता इसमें? नहीं, सब्जी भून लेते फिर उसका टेस्ट भी प्याज वाली सब्जी वाला आने लगता है ना। अच्छा, एक्चुअली भूनते कम है सब्जी हम, जब प्याज हमारे पास होती है तब। आलू और सिंगाड़ा, अभी देखना है कुकर भर जाएगा सब्जी का सारी सब्जी, शिमला मिर्च गई, भिंडी, आंवला और गाजर भी गया। अब इसको मैं देख लूंगी ना, तो अगली बार मैं भी बना सकती हूँ अनकुट। फ्रूट्स हम इसमें कम डालते हैं, क्योंकि जो है ना इसमें फ्रूट्स मिठास आ जाती है ना, थोड़ा स्वीट हो जाएगी और खटास मिठास दोनों का टेस्ट होता है। इसे खूब अच्छी तरह से चलाएंगे। बस ये एक चमचे भर के पानी डाल लेगी मैं इसमें। पापा अपने कमरे में सो रहे थे आप ऊपर? लोगों को बड़ी कंप्लेंट है, आप अपने पापा को अपने घर नहीं बुलाती हो, रोकती नहीं हो अपने घर पे, तुम्हारे पापा तुम्हारे घर नहीं रुकते हैं, क्या परेशानी है आपको बताओ? बाहर नहीं रह सकते ना,
ये बताओ क्या कहना दी तुम्हारा? नहीं तो रहना चाहिए ना गाय देव ना, है ना? हाँ कहते नहीं है वो, उनका मन कहते हो मेरे पास भी नहीं आते, मैं तो ऑफिस चली जाती हूँ खैर, लेकिन मैं चाय वाय सब ऊपर देके आती हूँ पापा को खाना। एक्चुअली दीदी भी क्या कहते हैं 9 to 7 जॉब करती है, 9:30 बजे जाती हूँ, 6 बजे तक आती हूँ। हाँ तो ये भी घर पे बस सैटरडे संडे होती है, तो पापा से जो मुलाकात होती है सैटरडे संडे होती है। नहीं खाना देती हूँ शाम को, सुबह सुबह को देती हूँ, शाम सुबह तो खुद लेते होंगे, सुबह तो खुद लेते हैं, शाम को बच्चे भी दे देते हैं, कोई भी देता है खाना तो। लेकिन पापा नीचे नहीं आते हैं, नीचे टहलने आते हैं तो चलते फिरते बात होती है, टहलने जाता हूँ तो उसके में। बाकी आप ऊपर ही रहते हो घर में अपने? हाँ ऊपर पोर्शन में रहते हैं, नीचे का उतर गया। और एक एज के बाद ना मैंने जो नोटिस किया है ना, जो हमारी फैमिली में बड़े लोगों के साथ सबके साथ होता होगा कि लोगों को अपना स्पेस ज्यादा पसंद होता है जहाँ वो रह रहे होते हैं। हम लोग यंग होते हैं तो हम यंग एज में बहुत मूव कर लेते हैं, तो एक एज पे जाके ना आपको लगता है ठहराव सा। तो दी तुमने ये भी लिए है, बड़ी प्यारी लग रही है यार, ये बड़ी सुंदर है, ये अमेजोन से मंगाई है, इसमें काओ भी बनी हुई है। दीदी तुम मेरे लिए भी तो बंधन वार लेकर आई थी, दिखाना जरा कैसी है वो। अभी दिखाऊंगी, थोड़ी देर में दिखाऊंगी, काम का खाना बना रहे, भूख का टाइम निकल जाए। ऐसी दो चीजें अभी थोड़ी देर से खुली करके पकाएंगे। अच्छा खुला करके भी पकाना होता है थोड़ी देर? देखो हमने पानी नहीं डाला था, बस एक चमचा डाला था, तब भी देखिए आप कितनी अच्छी बनी है, लगी लिपटी सी बनी सब्जी है। थोड़ी सी गाढ़ी करेंगे इसमें, और गाढ़ी करेंगे, खटाई डालेंगे इसमें पहले। खुशबू तो आ रही है अंकुट की प्रॉपर, तो सब्जियों की इसकी आती है ना सारी सब्जियां जब मिले। बस पाव भाजी बनती है ऐसी, लेकिन पाव भाजी वाला टेस्ट नहीं आएगा इसके अंदर। इसमें मूली वूली डाली है ना, तो उसमें खुशबू अलग ही आ रही है, अमरूद है, सेब है, ये सब थोड़ी अच्छी सी खटाई डालती है इसके अंदर। आमले से भी खटास आ गई होगी, लेकिन खटाई और धनिया डाल के, धनिया बाद में डालूंगी अभी, पहले पकाओगी थोड़ा सा, थोड़ा सा पका लो। छुड़ाते हैं पटाखे, छुड़ा के खुशियाँ मनाते हैं। ओके मैंने पता दिवाली पे भी नहीं छुड़ाई इस बार, रखी रह गई। जबकि तुमने मैंने एक फुलझड़ी छुड़ाई थी बस। कहाँ चल रही है? अरे मंदिर जा रहे हैं प्रशादी। मंदिर जा रहे हो? जो भोग लगाया ना थाली का, हाँ उसे देख आएंगे। पंडित जी को जाता है? पंडित जी को जाता है। अच्छा कितनी दूर मंदिर? पास में। आ जाओ अच्छा पास में। नहीं बस मैं यहीं बैठा हूँ, आप लोग देख रहे हो? मैं जा रहा ससुराल का मजा ले लूँ। ओके बाय बाय बाय। भैया मुझे तो अन्नकूट की सब्जी दीदी ने जो बनाई बहुत टेस्टी लगी। हाँ और पूरी के संग तो मैं कुछ एक्स्ट्रा पूरी खा गया। सबको इतनी पसंद आई है, इतनी सी भी नहीं बची, इतनी पसंद आई है, बहुत अच्छी लगी है, बहुत ही टेस्टी बनी है, बहुत टेस्टी है दीदी। इतना सिंपल रेसिपी थी ना, बहुत ही प्रसाद, सही बात है, लेकिन खाने में इतनी स्वादिष्ट लग रही है, पूरियों के साथ तो खासतौर से। रोटी के साथ? रोटी के साथ मजा नहीं आएगा आपको, केवल गोवर्धन पे बनाती हूं, साल में एक बार बनाती हूं रेसिपी इस टाइप, मतलब इस टाइप से पूरी मिक्स। हाँ, पूरी मिक्स करके, लेकिन बहुत अच्छी, मजा ही आ गया। इसमें अरबी भी पड़ती है, लेकिन सुबह हमने अरबी खा ली थी तो वो भी अरबी भी डालती है, लौकी। अच्छा, बहुत सारी सब्जी पड़ती है। माफी 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 आराम से घुमाओ, आराम से।